नमस्कार दोस्तों, एसपीएल लाइव लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कैलाश सिंह, मैं दिल्ली से हूं और मैं 11th क्लास से लेकर बीकॉम तक स्टूडेंट को टीच करता हूं अकाउंटेंसी। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, और फिर लास्ट में हमें पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। तो क्लास 12th के सिलेबस में तीन तरह की अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, दूसरा पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, और तीसरा है कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला चैप्टर हुआ हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले ये क्या हुआ करता था, क्लास 11th में पढ़ाया जाता था। क्लास 11th में ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ के जाते थे क्योंकि उनको ये डिफिकल्ट लगता था, और बात बिल्कुल सही भी है। आप जब इस चैप्टर को करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्लास 11th के लिए चैप्टर नहीं है। फिर सीबीएसई ने इसको इंक्लूड कर दिया लास्ट ईयर, क्लास 12th में सेकंड वॉल्यूम में इसको ऐड किया गया, जो कि मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही डिसीजन था। बिल्कुल सही करा उन्होंने, क्या करा, इस ईयर से इसको ऐड कर दिया फर्स्ट मॉड्यूल में, और ये चैप्टर नंबर हो गया 1। ओके, उसके बाद इसको समझाने से पहले मैं और बता देता हूं कहां कहां पे ये आपको और पढ़ने को आएगा। ये बीकॉम लेवल पे भी दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम करते हैं जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, और सीएमए, तो वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो बड़े सारे एग्जाम में इसको कवर किया जाता है, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये डिफिकल्ट है, सिंपल है, या कैसा है, मीडियम लेवल का, किस तरह का लेवल का चैप्टर है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे ये चैप्टर डिफिकल्ट है। दोस्तों, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, गारंटी कर रहा हूं, ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल आपको लगेगा। अगर आपने मेरी कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ करूंगा, वो छोटी छोटी बातें आपने मेरी मान ली, तो इस चैप्टर में कोई भी दम नहीं है। और आपको इवन 12th क्लास पे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको कोई भी एग्जाम देना पड़े, क्यों ना प्रोफेशनल एग्जाम आप देना दे रहे हो, वहां पर भी ये चैप्टर के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको इसमें अच्छे से समझने पड़ेंगे। इसमें क्रैमिंग नहीं चलेगी, रट्टाफिकेशन इस चैप्टर के लिए नहीं है 1% भी। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं इसको शॉर्टकट में रट लूं, तो प्लीज आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपको इसको समझना पड़ेगा तभी आप इसको कर पाओगे। ओके, चलिए तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओस होती क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एंटिटी है, वो एंटिटी है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। वो फॉर्म इसलिए की गई है, यानी बनाई इसलिए गई है ताकि वो उसके मेंबर्स को, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, यह सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हो सकती है, एजुकेशन सर्विसेज हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है। तो बड़ी सारी सर्विसेज हैं जो कि या तो नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड की जाती हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इनको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ये रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाए मेंबर्स को या सोसाइटी को, या फिर नॉमिनल चार्ज पे दी जाए। सर, एग्जांपल इनके क्या होंगे, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, RWAs होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये जो है ये आपकी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो मैं ये सभी चीजें आपको नोट्स के थ्रू पढ़वा दूंगा, और ये सभी हमने लिखा हुआ है, तो आपको बस सुनते जाना है, मेरी बात को समझते हुए चले जाना है। राइट, चलिए
तो अब एक बार मैं यहां पे आपको बताता हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स क्लब, ICAI, ICSI, ICMAI, पब्लिक लाइब्रेरी एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बड़े सारे हो सकते हैं, तो यहां पे आप लिखना चाहें तो हॉस्पिटल भी लिख लीजिए, हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी ये होती है। उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई हम इनके अकाउंट्स बनाना क्यों सीख रहे हैं। देखिए, क्लास 11th में आपने देखा कि जहां पे एक ओनर होता था जिसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ओनर हुआ करता था और वो अपने अकाउंट्स बनाता था, तो उसके अकाउंट कैसे बनाए जाते थे ये हमने सीख लिया। अगर हम कहीं पर कोई बिजनेस करते हैं तो हम अपने अकाउंट्स बनाना जानते हैं, या फिर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो भी हम अकाउंट्स बना सकते हैं जहां पे एक ओनर है। लेकिन जहां पर प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे ही स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, और आपके स्पोर्ट्स क्लब हो गए, हॉस्पिटल हो गए, तो इनके जो अकाउंट्स हैं क्या इनके अकाउंट वैसे ही बनेंगे जैसे हमने क्लास 11th में बनाए हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट? बिल्कुल भी नहीं, इनके अकाउंट्स ऐसे नहीं बनेंगे। इनके अकाउंट्स, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो यहां पर पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, राइट? तो इसलिए यहां पर हमें सीखना पड़ेगा अलग से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पर तीन चीजें आपको इंक्लूड करनी है। पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम इनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर मैं आपको बोलूं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका, बिल्कुल मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट देखेंगे, फिर हम समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, और फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, सब चीजें हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस की। तो जो भी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन हुई है वो यहां पे रिकॉर्ड की जाती है। पूरे साल भर में जो भी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन हुई हैं उनकी ये समरी है। तो हम इसको बोल सकते हैं बिल्कुल सेम है कैश बुक की तरह। क्लास 11th में आपने कैश बुक का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपने देखे थे दो कॉलम, एक कैश का कॉलम आपने देखा, एक बैंक का कॉलम आपने देखा। तो यहां पर कॉलम दो तो नहीं है, कॉलम एक ही है, यानी मिक्स है, कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शन एक ही कॉलम में यहां पर डाली गई है, है ये वही कैश बुक। तो यहां पे रिसीट्स एंड पेमेंट, आपको एब्रीवेशन कहीं भी यूज नहीं करनी, मैं वैसे ही यहां पे थोड़ा सा एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, आपको प्रॉपर अकाउंट्स में लिखना पड़ता है कंप्लीट। तो ये जो साइड होती है ये है रिसीट्स रुपीस, और ये साइड होती है ये होती है पेमेंट रुपीस। अगर मैं आपको इसको बताऊं तो ये आपका कैश बुक ही है, कैश बुक यानी कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश बुक मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट। चलिए, तो आप ये बताइए ये डेबिट साइड पर, कोई भी अकाउंट में ये साइड डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, डेबिट साइड पर कैश या बैंक आपके बढ़ते हैं, एसेट्स बढ़ते हैं, और क्रेडिट साइड पर आपके यहां पर एसेट डिक्रीज होते हैं,
ओके चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर कोई भी अगर एसेट है, एसेट का यानी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, तो आपको यहां लिखना होता है टू बैलेंस बीडी। एसेट का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिखना होता है डेबिट साइड पर, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो आप यहां पे लिखेंगे। लेकिन कई बार आपको, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने लिख दिया कैश एंड बैंक का डेबिट बैलेंस है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कैश का नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का नेगेटिव हो सकता है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो कई बार आपको इधर भी बैलेंस मिल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ठीक है, क्योंकि वो एक लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, राइट। चलिए, तो यहां पे उसको लिखा जाता है, ठीक है, इन दोनों में से एक ही आएगा, या तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा या फिर वो नेगेटिव बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो उसका अपोजिट इधर आ जाएगा बाई बैलेंस, उसका जो क्लोजिंग आएगा इधर आ जाएगा सीडी, और इसका जो ये ओवरड्राफ्ट है, इसका अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी बैंक ओडी। एग्जाम में दिया रहेगा आपको कि बैंक ओडी ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग कितना है। अब इस अकाउंट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर यहां पे क्या आएगा, ये जो आपका पोर्शन बच गया है, ये खाली जो आपकी जगह बच गई है, यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे आने वाली है जर्नल एंट्रीज। अब आप ये देखिए, आपको अगर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना आता है तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप नॉर्मल एंट्री करके देखिए। अगर कोई भी पैसा आता है हमारे पास, किसी भी चीज से पैसा आता है, मान लो हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कमीशन, मतलब कोई भी इनकम, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, कमीशन मैंने ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो हमें कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप जहां जहां पे बैंक करते थे वहां वहां पे रिप्लेस कर देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये जो कमीशन है आप कहां लिखेंगे, अब आप इसकी पोस्टिंग कर लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड पर आ जाएगा टू कमीशन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते वक्त, जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं सैलरी, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने सैलरी पे की, तो ये नॉर्मल एंट्री है, आप बैंक को रिप्लेस कर लीजिए रिसीट एंड पेमेंट से आर एंड पी, तो पोस्टिंग क्या हो जाएगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा बाय सैलरी, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूं, यहां पर मैं अब इसको इरेज कर देता हूं और मैं सिंपल एक बात आपको बोल देता हूं कि अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर कैश आ रहा है, अगर कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है या चेक से आ रहा है या कैश आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया जर्नल एंट्री के थ्रू। अगर कैश जा रहा है, यानी पैसा जा रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश में पेमेंट हो रही है, तो वो आएगा आपका क्रेडिट साइड पर, राइट। तो आपका बस यही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को मैं समराइज करूं और मैं बताऊं आपको, बिल्कुल सिंपल है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्या करना है, कैश बुक ही है रिसीट एंड पेमेंट, क्या है, कैश बुक ही है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आप कैश बुक बनाते थे बस वहां पे डबल कॉलम हुआ करता था, यहां पे सिंगल कॉलम से काम चल जाएगा, यानी सभी ट्रांजेक्शन कैश की हो या बैंक की हो, अगर रिसीव हुआ तो डेबिट साइड पर लिखो और पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड पर लिखो, ओके। तो ये था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपकी बुक में पेज नंबर है 1.03। सर किस बुक से आप पढ़ाओगे, मैं पढ़ाऊंगा टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, टीएस ग्रेवाल 2019, इस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए, तो इस बुक में सबसे अच्छी बुक है, सबसे फेमस बुक है अकाउंटेंसी के लिए। तो यहां पे देखिए पेज नंबर है 1.3 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां पे इसका फॉर्मेट गिवन है, तो चलिए जल्दी से इसको मैं आपको समझा देता हूं।
फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे, फर्स्ट आइटम आपके सामने आ रही है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस एक काम करते हैं, मैं मार्कर यूज कर लेता हूं। फर्स्ट आइटम है हमारे पास टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। अभी मैंने आपको समझाया था कैश इन एंड और कैश एट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ रही है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। अब यहां पर कुछ आइटम्स ऐसी हैं, स्पेशल आइटम ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, बिना समझे वो आपको क्लियर नहीं होंगी, मतलब आपको उनको थोड़ा सा स्ट्रेस उनके ऊपर देना पड़ेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन, कुछ नई आइटम यहां पे ऐड होंगी। अब ये बताइए, हमें जो पैसा मिल रहा है वो सब्सक्रिप्शन से मिल रहा है। अब सब्सक्रिप्शन क्या होती है, देखो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप अपने आसपास के एरिया में देखेंगे लाइब्रेरी आपको नजर आएगी, कुछ लाइब्रेरी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी हैं, वहां पे एक एनुअल सब्सक्रिप्शन जाता है, या मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सब्सक्रिप्शन बोले तो एक फी आप समझ लीजिए कि जो लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं वहां पे एक फी पे करनी है आपको। तो वहां पे जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो होता क्या है, वहां पर स्टार्टिंग में जब भी आप लाइब्रेरियन से बात करेंगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई आपको एक एंट्रेंस फी पे करनी पड़ेगी, मतलब कि आप इस लाइब्रेरी के आप मेंबर हो जाओगे और आपको इनिशियल अमाउंट, एग्जांपल के लिए आपको 400 स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा और फिर आपको 200 पर मंथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो 400 आपने पे किया स्टार्टिंग में, उसमें 200 तो था एंट्रेंस फी का, 200 किसका, एंट्रेंस फीस का। और जो 200 था फर्स्ट मंथ में आपने 400 पे किया, उसके बाद क्या करेंगे 200 आप पे करेंगे। तो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, 200 तो आपने पे किया एंट्रेंस फी का या एडमिशन फी आप बोल दीजिए, और 200 आपने पे किया सब्सक्रिप्शन का। और जो आप आगे मंथली पे कर रहे हैं 200 वो क्या है, आपकी सब्सक्रिप्शन, यानी आपने एक मेंबरशिप ली है उसका आपको फी पे करना पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो हमने दो बातें यहां पे सीख ली, एक तो हमने सीखी एंट्रेंस फीस या एडमिशन फी क्या होती है, और एक हमने सीखा सब्सक्रिप्शन क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं और वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए वो डेबिट साइड पर दिखाया जाता है क्योंकि रिसीव हो रहा है मेंबर से। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा, ये आपको हर एक बात समझ आ जाएगी। उसके बाद जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन, अब यहाँ पे डेबिट साइड में जर्नल डोनेशन, यानी जर्नल आपको डोनेशन रिसीव हुआ है। अब डोनेशन में क्या होता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको डोनेशन वगैरह मिलता है। डोनेशन में स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है और जनरल डोनेशन भी हो सकता है। सर मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन है जिसमें डोनर बताता है कि आपको इस अमाउंट का क्या करना है, यानी इस अमाउंट का क्या यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो डोनर है वो बताता है कि भाई आप इस पैसे को जो मैं डोनेट कर रहा हूं उससे आप बिल्डिंग बनाएंगे, या आप गरीबों को खाना खिलाएंगे, कुछ भी हो सकता है पर्पस। तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन। और जनरल डोनेशन होता है कि भाई डोनर ने आपको दान दिया लेकिन उसने बताया नहीं है कि आपको इसको कहाँ यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मंदिर गए और मंदिर में आपने बुक्स में डाल दिए पैसे, तो आपने ये नहीं बताया कि इन पैसों का यूज क्या करना है। ठीक है, तो वो होता है जनरल डोनेशन। तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के डोनेशन मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे। उसके बाद टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब जो ग्रांट होती है और डोनेशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है कि डोनेशन कोई भी पर्सन दे देता है, एक इंडिविजुअल भी डोनेशन पे करता है, लेकिन जो ग्रांट होती है ज्यादातर गवर्नमेंट बॉडी और जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ग्रांट पे करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है ग्रांट। ठीक है, बाकी है वो भी डोनेशन की तरह ही। उसके बाद आती है हाँ स्पेसिफिक पर्पस, यानी यहाँ पे जो ग्रांट पे किया गया है वो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए। आगे टू एंट्रेंस फीस और एडमिशन फी, जो मैंने अभी लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था उसमें मैंने अभी बताया था आपको, आपने 200 एंट्रेंस फी के पे करे हैं और 200 सब्सक्रिप्शन के, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जर्नल ग्रांट, यानी वो ग्रांट जो एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट से मिला लेकिन गवर्नमेंट ने उसका पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, ग्रास एक्सेट्रा। अब यहां पे क्या है, यहां पे कैश आएगा भले ही वो किसी भी कहीं से भी आए हो, किसी भी चीज को सेल करके आए हो, कैश आया है तो डेबिट साइड पर लिखो, भले ही वो किसी भी साल का है, भले ही वो 10 साल पुराना कैश आया है तो भी लिखना है। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह बेचा और ग्रास वगैरह जो
अब मान लो ऐसा है कि भाई कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे कुछ जो घास वगैरह है वो बड़ी हो गई है, उन्होंने कहा किसी को कि भाई ये घास आप ले जाइए और उससे कुछ पैसे ले लिए। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड और यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये स्पोर्ट्स क्लब के लिए यूज हुआ है कि कई बार जो स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, उसको बेच दिया जाता है। एग्जाम्पल पुराने बैट हैं, बॉल वगैरह हैं, तो उससे कुछ पैसा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो उसके पास फंड पड़ा है उसको इन्वेस्ट कर देता है, अगर वो अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है इंटरेस्ट मिल जाता है। आगे क्या है इनकम फ्रॉम कंसर्ट या लेक्चर, कोई लेक्चर वगैरह है उससे यहां पर इनकम रिसीव हो रही है। आगे है डिविडेंड। डिविडेंड आप जानते होंगे, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं डिबेंचर्स के अंदर, डिबेंचर शायद आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, अगर हम डिबेंचर का मतलब हम कंपनी को लोन भी दे सकते हैं और हम कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं। अगर हमने शेयर परचेज करे हैं तो हमें प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। अगर हमने कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, मतलब हमने कंपनी को लोन दिया है, तो हमें बदले मिलता है इंटरेस्ट। तो डिविडेंड आपको समझ आ गया। और रेंट रिसीव आपको ये भी सिंपल समझ आ गया होगा। कई बार ऐसा होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, यानी यूज नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया, तो वहां से रेंट आ गया, या टेम्परेरी पर्पज के लिए रेंट पे दे दिया, तो वहां से इसको रिसीव हो रहा है अमाउंट। आगे है इंटरेस्ट रिसीव, आप देख चुके हैं। मिसलेनियस रिसीट, कोई भी छोटी मोटी रिसीट, अब इसको बता पाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी कुछ भी बेचा तो वो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। लाइफ मेंबरशिप फी, हाँ इसको समझना है आपको। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है कि जो मेंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल लाइब्रेरी का मैं लेता हूं, तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ने आपको बोला, आपको ऑप्शन दिया कि आप 200 पर मंथ पे करो सब्सक्रिप्शन, या फिर आप अपनी पूरी लाइफ के लिए 25,000 हमें पे कर दो, वन टाइम पेमेंट है, और आप पूरी लाइफ के लिए लाइब्रेरी में आ सकते हैं, यानी लाइब्रेरी के मेंबर आप पूरी लाइफ के लिए बन जाओगे। तो यहां पे ये इसको क्या बोला गया, लाइफ मेंबरशिप फी, बिल्कुल सिंपल है समझना। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ये मैं आगे कवर कर लूंगा। आगे कहता है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ये मैंने बताया था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइज, यानी स्पेसिफिक पर्पज बता दिया है। आगे कहता है लीगेसी, लीगेसीज होती है वसीयत। कई बार होता यह है कि कुछ लोग अपनी जो वसीयत है, वसीयत में ये लिख के चले जाते हैं कि भाई जो हमारी प्रॉपर्टी हमारे जाने के बाद ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, इस हॉस्पिटल के नाम हो जाएगी, स्कूल के नाम हो जाएगी, तो इस तरह से वो होती है आपकी लीगेसी। तो ये अमाउंट मिला। इंडोमेंट फंड में आगे कवर करूंगा। आगे है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कोई भी एसेट बेच दिया गया उससे पैसे आ रहे हैं, फर्नीचर कोई बेच दिया गया है, कोई भी फिक्स रेट आप समझ सकते हैं, सिंपल है। टू रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, हाँ कोई भी आपको अमाउंट मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है किसी भी स्पेसिफिक फंड के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि देखो फर्स्ट क्लास में सारी बातें समझ आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं जो आगे जाके कवर होने वाली है, जो डिटेल में डिस्कस होंगी। ओके चलिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लेना है यहाँ से। अभी टू बैलेंस सीडी, ये मैंने आपको समझाया था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड पर जल्दी से देख लेते हैं हम, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट ये मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद है सैलरी, पेमेंट की है सैलरी, रेंट पे किया है, बिल्कुल सिंपल है, पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट के कुछ खर्चे वर्चे हैं, उसके बाद है न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह हैं, और रिपेयर कुछ भी रिपेयर कराया हो, जैसे बिल्डिंग वगैरह रिपेयर कराया, फर्नीचर रिपेयर कराया, कुछ भी है। ऑडिट फीस, ये सीए की फीस होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में एक बार बता देता हूँ। देखो होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट हैं वो ऑडिट किए जाते हैं। साल के एंड पे होता क्या है, ऑडिट टीम आती है सीए की तरफ से, और पूरा उनका जो अकाउंट्स, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंट्स बना रही है, उन्होंने कहां कहां से पैसा लिया, कहां कहां पे पैसा खर्च किया, उसके पूरे एविडेंस उनके पास है कि नहीं, वो कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे हैं, उस चीज को चेक किया जाता है। सीए बाद में क्या करता है, पूरी सभी चीजों को चेक करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट को वो सौंप देता है, यानी उसके जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के जो उसको पूरे ट्रस्ट को संभाल रहे हैं, उनको सौंप दी जाती है। ओके इस तरह से, ताकि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ना हो, तो यहाँ पे इसलिए ऑडिट किया जाता है। आगे है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ये आप समझ सकते हो, सेक्रेटरी, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम। अब देखो ध्यान से सुनो, ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम में आप ये समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब कोई पर्सन
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय नहीं है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसको हम एक चार्ज पे कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो वहां के इंप्लॉय नहीं है, लेकिन वो जब भी अपनी सर्विस पे करते हैं आवरली बेसिस पर, नंबर ऑफ पेशेंट बेसिस पर, उनको फी पे की जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपका लोकल बॉडी होती है लोकल एरिया में, जैसे हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो वहां पे क्या है, जो ये सीवरेज है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इस तरह से वो सारे टैक्स इसके अंदर आते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर। ठीक है, जैसे आपकी जो सड़कें हैं उनकी साफ सफाई का ध्यान, आपको सीवर वगैरह मेंटेन इनको देखना पड़ता है अच्छे से कि पानी वगैरह सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो सब म्युनिसिपल उसमें आते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं, तो वहां पे वो पे किया जाता है। आगे बाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो एक्सपेंस है यहाँ पे। ऑफिस एक्सपेंस आप समझ सकते हैं, एक्सपेंस ऑन शो, कोई भी शो वगैरह किया है उसके ऊपर एक्सपेंस है। मिसलेनियस रिसीट, मिसलेनियस पेमेंट, जैसे मिसलेनियस रिसीट थी वैसे मिसलेनियस पेमेंट है। मतलब ये कि कोई भी हमने पेमेंट की है, अब हर एक पेमेंट को क्लासीफाई करना जरूरी नहीं है यहाँ पर, मतलब उसके लिए प्रॉपर हेड बनाना जरूरी नहीं है, मिसलेनियस में हमने डाल दिया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने एसेट खरीदा उसके लिए पैसे गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा उसके लिए पैसे गए, इन्वेस्टमेंट खरीदी उसके लिए पैसे गए, बुक्स खरीदी उसके लिए पैसे गए, लोन रीपे किया वहां पे पैसे गए, बिल्डिंग खरीदी उसके लिए पैसे चले गए, और यहाँ पे बैलेंस सीडी कैश का और बैंक का। ओके, तो ये था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको देखो बड़ी सारी चीजें हैं जो बाद में जाके डिटेल में डिस्कस होंगी, तो आपको अभी इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। यहां पे हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना ही हो, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि पेशेंस रखिए, 3 या 4 लेक्चर के बाद आपको हर एक बार धीरे धीरे समझनी स्टार्ट हो जाएगी और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अगर 6 लेक्चर आपके हो जाते हैं तो फिर आपको हर एक चीज के लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स रिवाइज करें, प्रॉपर नोटिंग करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और उसके बाद उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज भी करें ताकि जो बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, अभी थोड़ी सी हार्डवर्क कर लोगे तो बाद में जाके आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स भी मैं आपको दूंगा, इसके पीडीएफ नोट्स मेरे पास हैं, तो मैं आपको नोट्स एक बार जल्दी से गो थ्रू करा देता हूं। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मीनिंग ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड टू गिव डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर और सोसाइटी एज ए होल। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देने के लिए, जैसे हेल्थ केयर होगी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अपने मेंबर्स को या फिर सोसाइटी को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिव दिस सर्विसेज आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए नॉमिनल कॉस्ट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये जो सर्विसेज हैं वो देती हैं या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं या फिर नॉमिनल कॉस्ट पे देती हैं। एग्जांपल आप जल्दी से देख लेंगे, आईसीआई, आईसीएसआई, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या शामिल किया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बुक ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन की। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द कैश बुक। तो ये कैश बुक से बनाया जाता है। देखिए, ये मैं बता देता हूं आपको, कैश बुक पूरे साल भर बनती है, उसके बाद एंड पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद कहते हैं ऑल रिसीट्स, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स, कैपिटल और रेवेन्यू आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझिए, सभी रिसीट, चाहे वो कैपिटल है, रेवेन्यू है, आपको इसके बारे में नहीं समझना, सभी रिसीट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है, सभी पेमेंट्स क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है।
नेक्स्ट, ठीक है, फिर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाता है जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ओके, तो यहां पर आपको प्रॉपर नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनको रीड भी आप करेंगे अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।